जो है एनीवेज लेट्स फॉरगेट दिस. वी हैड प्रोडक्ट्स लाइक स्कोडा 1000 MB. तो 1000 MB का जो है एक अलग स्टोरी इस वजह से है बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैड इंट्रोड्यूस अ कार विद द रियर इंजन. उसमें जो इंजन जो है वो बूट में लगा हुआ था, इंजन फ्रंट साइड पे नहीं था. सो द डिक्की वॉज द बूट वॉज इन द फ्रंट एंड द इंजन वॉज एट द रियर. एंड जो हमारा नेक्स्ट मॉडल रहा 1970 स्कॉडा 11R, इट्स मोर लाइक अ रैली स्पोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग. 57,000 मॉडल्स ऑफ वन वर आर वर प्रोड्यूस विद 90% बिल्ड फॉर एक्सपोर्ट. क्योंकि कंपनी को जो है ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस मिलना चालू हो गया. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसकी क्वालिटी एंड सेकेंड वॉज अ कंपेटिटिव प्राइस. जब वॉयचरेट ए को लॉन्च किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1905, उस समय दूसरे ब्रांड की जो गाड़ियां थी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट द कार वॉज ऑफ 1000 रुपीज, तो हमारी कंपनी ने जो गाड़ी इंट्रोड्यूस की वो 60% प्राइस पे कि आप 600 डॉलर के अंदर गाड़ी ले जाओ. तो अगर गाड़ी जो है 1000 डॉलर में मिल रही थी तो हमारी कंपनी ने उसी क्वालिटी को मैच करते हुए 600 डॉलर के अंदर गाड़ी इंट्रोड्यूस की. सो क्वालिटी की वजह से एंड इट्स कंपेटिटिव प्राइस. और फिर इसी 11R को जो है बकायदा उसके बाद फेसलिफ्ट किया गया और जो है उसको जो है रिप्रोड्यूस किया गया. नाउ करंटली वी हैव आउट ऑफ दीज मॉडल्स स्कॉडा ऑक्टाविया इज द ओनली अवेलेबल मॉडल विच वी हैव एंड विच हैज बीन जस्ट इंट्रोड्यूस्ड एज फोर्थ जनरेशन. ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेकेंड जनरेशन है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2001. फिर उसके बाद क्लोज टू 2010 वी इंट्रोड्यूस्ड लॉरा विच वॉज द थर्ड एडिशन. एंड हमारा जो फोर्थ जनरेशन है वो इस समय इंट्रोड्यूस हुआ है. राइट नाउ येती वॉज इंट्रोड्यूस एंड येती वॉज वन ऑफ द सेफेस्ट एसयूवी ऑफ दैट टाइम. बट इसको हम एसयूवी के नाम से नहीं हमें इंट्रोड्यूस किया, इसे स्पेशल सेगमेंट इसको बोला गया. नाउ स्कोडा रैपिड इन 2011 वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन मार्केट. 2015 सुपर्ब विद द फेसलिफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड 2016 के अंदर न्यू रैपिड वॉज लॉन्च एंड 27 स्कोडा ऑक्टाविया थर्ड जनरेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड. आफ्टर दिस वी हैव, हालांकि हमने इसको थर्ड जनरेशन बोला, उससे पहले लॉरा वॉज ऑल्सो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, उसको हमने जनरेशन का नाम नहीं दिया. दिस वॉज द थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2021 एंड वी ऑल. सो आफ्टर दैट द मेजर चेंज हैपन्ड इन आर कार वॉज द TSI टेक्नोलॉजी. एंड इन बिटवीन 2020 वी इंट्रोड्यूस्ड वन ऑफ आर हैंड पिक्ड मॉडल, आई विल से स्कॉडा करॉक. उन गाड़ियों को जो है अप्रॉक्सिमेटली 1000 कार्स वर ब्रॉट टू इंडिया, कीपिंग इन माइंड दैट वी आर टारगेटिंग टू सेल दीज कार्स बाय 31 दिसंबर 2020. बट सितंबर आते आते वी हैड सोल्ड ऑल द नंबर्स बिकॉज दिस प्रोडक्ट वॉज एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी, आई से मोर देन वैल्यू फॉर मनी. क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर इतना ज्यादा इनके फीचर्स को जो है, इसका कंपैरिजन जो है फीचर्स से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड BMW X1 से किया गया विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7-8 लाख रुपीज कॉस्टलियर कार देन दिस पर्टिकुलर मॉडल. करॉक को इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि स्कोडा इज नोन फॉर इट्स सेडान्स. वी नेवर हैड अ नेम बिकॉज ऑफ इट्स एसयूवीज. हालांकि जो है कोडियक इंट्रोड्यूस हुई बट लोगों, क्योंकि कोडियक इज अ हाई एंड प्रोडक्ट जो कि 40 लाख के आसपास की गाड़ी पड़ती है, तो इट वॉज नॉट फॉर अ कॉमन पीपल.
So the Karoq was introduced keeping in mind that this product will be a foundation for Kushaq. क्योंकि अब लोगों को विश्वास हो गया कि स्कोडा एसयूवी लेवल के प्रोडक्ट्स भी दे सकती है और उस एसयूवी के सेगमेंट में A0 सेगमेंट जो है एसयूवी का जो कि स्मॉलर वर्जन जिसको कि जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन क्रेटा एंड सेल्टोस द टू मेन कंपेटिटर्स इन द मार्केट उनके साथ हम इसको कंपीट करने वाले हैं. नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम हियर सो दिस इज अबाउट द timeline of our different products. Globally there are 7 plants available in the market. So in India we have 2 plants, both are in Maharashtra, Sahindra Aurangabad. Sahindra is the area name. Similarly Chakan is the name in Pune, Maharashtra. Aur mera jo reporting hai, I am reporting to this plant only. प्लांट के बिल्कुल एडजॉइनिंग मदर अकेडमी है जिसको मेन अकेडमी बोलते हैं इंडिया की. सो द मदर अकेडमी इज इन पुणे एंड वी हैव गॉट रीजनल अकेडमीज. वन इज इन नॉर्थ गुड़गांव विच इज कैटरिंग टू नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडियन लीडरशिप्स एंड वी हैव अनदर अकेडमी इन बैंगलोर एंड दे आर कैटरिंग टू द वेस्ट लीडरशिप्स एंड South dealerships and the West dealerships are being catered by main academy which is there in Pune, right? So these are the, this information is related to the plant. Now we are part of a Volkswagen group globally. Kya koi bata sakta hai ki Volkswagen group ke andar kitne companies hain, A, B, C ya D? Thank you, Rekha. Come on, guys. A, B, C, or D. Volkswagen Group के अंदर कितने product, कितने companies हैं? Deepak, check your answer. Vasudevan, thank you so much. Muskan, check your answer. Harpal, check your answer. Ayush, thank you so much. Thank you, Fiza. Sunandan, check your answer. Thank you, Amandeep. Thanks, Jyoti. So the right answer is 12. The right answer is, thanks Devashish, the right answer is 12. These are the 12 companies. Volkswagen, of course, Czech Republic se jo hai Skoda, Germany se hamari jo one of the brand company jo India mein bhi hai, that is a Porsche. We have Seat from Spain. We have Germany se we have Audi, Bugatti from France, England se Bentley, Lamborghini from Italy. Italy say we have Ducati. Ducati is basically a super bike. And Germany say Volkswagen ka ek aur unit hai, which is known as commercial unit. Scania is also a commercial brand. They are into bus and buses, trucks and dumpers. Ye Sweden se hai. And MAN is the 12th company, which is again from Germany. And trucks and buses are the main key business. So put together these 12 companies, Volkswagen is known as Volkswagen Group. And we are globally number one group in the world. It's one of the richest group in the world. Now, let's go ahead. Simply Clever ke baad main yahan bhi chhod deta hun. Isko hum humare features wale mein baat karenge. Design values ke baare mein hum log baat karte hain quickly. We have got 3 design values. Simplifying, surprising and human. These are the 3 design values. Ab ye design values jo hain, inko jo hamare designers hain jab gaadi design karte hain us samay wo unko dhyan mein rakhte hain hi. But mere liye jab meri visit hui 2015 mein mujhe mauka mila
फर्स्ट टाइम हेड ऑफिस विजिट करने का. वहां जाने के बाद आई हैव एक्चुअली फॉलन इन लव विद द ब्रांड. मेरा विश्वास, मेरा प्यार बहुत बढ़ गया ब्रांड के लिए. और मुझे लगा कि ये सिर्फ डिजाइन वैल्यूज नहीं है, गाड़ी की डिजाइन वैल्यूज नहीं है, ये हमारी डिजाइन वैल्यूज भी हो सकते हैं. ये ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे फ्यूचर को डिजाइन कर सकती हैं. कैसे? अब थोड़ा सा देख चलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, जो इनकी सिंप्लीफाइंग के अंदर तीन सब वैल्यूज हैं जो साइड पे लिखी हैं, मेकिंग लाइफ इजियर, एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल. ऑफकोर्स गाड़ी के बारे में अगर आप सोच के देखिए, एज्यूम करिए आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और फिर इसको पढ़िए, मेकिंग लाइफ इजियर. क्या ये गाड़ी मेरी लाइफ को इजी बना रही है? आंसर आएगा यस. इस गाड़ी जो है, ये गाड़ी हमेशा मेरी मेरे लिए अवेलेबल है. इसके सारे फीचर्स मैं असेस कर सकता हूं. ड्राइवर कॉकपिट के अंदर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मोस्टली फीचर्स आर इन द कंट्रोल ऑफ अ ड्राइवर. दिस कार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग कंफर्ट, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फैमिली हु ओन्स दिस कार. आप इसी चीज को अपने ऊपर लेके देखिए. एज अ सेल्स कंसल्टेंट, यू आर देयर असिस्टिंग द कस्टमर, हेल्पिंग हिम टू डिसाइड अबाउट द कार, हेल्पिंग हिम टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट द कार, एंड यू आर मेकिंग हिज लाइफ इजियर. ही कैन इजिली टेक डिसीजन. यू आर असेसिबल. सर आई एम 24/7 अवेलेबल. ऑफकोर्स रात को 2:30 बजे तो कोई शोरूम आएगा नहीं. आई एम अवेलेबल 24/7 मीन्स आई एम अवेलेबल ऑन कॉल. Last but not the least, I stand responsible for whatever I say. I'm responsible to give you the right service at the right time. I'm responsible for my words. मैं जो बोलूंगा मैं उस पर खरा उतरूंगा. You always surprise by giving your customer different ideas how to decide a car. Example के तौर पर लेता हूं. One of my फ्रेंड, आई गॉट अ कॉल. ही सेड यार बेटा जो है ना वो बहुत जिद कर रहा है कि उसको ना गाड़ी लेनी है. ठीक है जी, चलते हैं गाड़ी लेने चलते हैं. तो डिसाइड किया, बोले ऐसे है बिकॉज उसकी कंपनी जो है वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर है, दैट कंपनी इज एसोसिएटेड विद होंडा, और होंडा की तरफ से उनका कोई स्कीम आया है दैट दे आर गेटिंग एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑफ रफली 50,000 rupees. बोले जी अच्छी बात है, चलते हैं फिर. हम लोग होंडा के शोरूम पहुंच गए. कौन सी गाड़ी देखना चाहेंगे सर? होंडा डीजल दिखाओ भैया. ये आज से 3-4 साल पहले की बात. मैंने कहा बेटा जी एक मिनट होल्ड करो, आपके पास अभी कौन सी गाड़ी है? बोले अंकल ऑल्टो है. कितने साल पुरानी है? बोले अंकल 12 साल हो गए. 12 साल में वो गाड़ी कितना चली है? बोले अंकल तकरीबन 20,000 किलोमीटर के आसपास चली है. कहने का मतलब है एक साल में तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर. ये एक महीने में गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है सिर्फ. मैंने कहा बेटा जी अब मुझे बताओ, 12 साल में आपने गाड़ी 20,000 किलोमीटर चलाई है, अब आपको गाड़ी लेनी है डीजल, क्यों लेनी है? पहली बात तो डीजल और पेट्रोल के प्राइस में सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए का यहाँ फर्क है. उसके बाद हर साल इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे, हर साल सर्विस में एक्स्ट्रा पैसा लगाओगे. वो बात उस उनके फादर को और उसको समझ में आ गई एंड दे इमीडिएटली डिसाइडेड कि नहीं बॉस हम डीजल नहीं पेट्रोल लेंगे. सो दैट आइडिया वॉज गिवन बाय मी. सो एज अ सेल्स कंसल्टेंट नाउ वैल्यू फॉर मनी, जितना पैसा आप दे रहे हो क्या गाड़ी उतनी वैल्यू की है? गाइस अगर स्कोडा के लिए बोला जाता है, स्कोडा के जो गाड़ी के जो प्रोडक्ट्स उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं उन सबको अगर आप लिस्ट में लगा के उसके आगे उनका रेट लिखना चालू कर दो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार, तो उस गाड़ी की कॉस्ट जो इस समय ऑन रोड प्राइस है उससे ज्यादा ही जाएगा.
This is known for value for money, more than value for money. और ऐसे में हम value for money में ये भी बोलते हैं कि जो आप पैसा दे रहे हो उस क्वालिटी की गाड़ी आपको मिल रही है तो आपको value for money लगता है. मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ. I was visiting Chandigarh for some training program. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से शाम को जैसे निकले तो होटल के बिल्कुल साथ में there was a mall. उस मॉल के अंदर जो है जैसे हम एंटर किए तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे एक फॉर्मल जो है अटायर की एक कंपनी है. तो हम लोग चले गए, शर्ट्स वगैरह देखते रहे, ट्राउजर, एंड फाइनली वी वेंटेड इनटू द सूट सेक्शन. एंड आई वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ ब्लैक सूट बिकॉज मेरा ऑडी का कुछ स्केड्यूल उस समय प्लान था. तो ऑडी के अंदर वी हैव अ अटायर, कॉर्पोरेट अटायर इज द ब्लैक सूट. मैंने कहा बॉस ये वाला सूट दिखा दो. मैंने ट्राई किया, अ फिट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट. आई सेड हाउ मच इज द प्राइस, ही सेड 75,000 रुपीज. आई सेड सॉरी प्लीज कम अगेन, इट इज 7500 और 75,000? बोले नो सर, इट्स 75,000. आई सेड थैंक यू वेरी मच, आई वुड नॉट लाइक टू गो फॉर दिस. बोले सर आप चिंता मत करें, मैं इसमें डिस्काउंट करवा दूंगा. मैंने कहा बॉस आप 50% डिस्काउंट भी करवा दोगे, स्टिल इट इज कमिंग अराउंड 36,000-37,000 रुपीज, आई कैन नॉट बाय. बोले नहीं सर, मैं डिस्काउंट भी अगर कराऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा 10% हो सकता है. मैनेजर से बात करके हम 15 तक कर सकते हैं. मैंने कहा बॉस मैं तो 50 की बात कर रहा हूँ, आप 15 की बात कर रहे हो. मॉल के अंदर थोड़ा सा और आगे चले, मैंने वहां पे एक और ब्रांड देखा. अगेन सूट वॉज कॉस्टिंग मी समवेयर अराउंड 31,000-32,000 रुपीज. आई केम बैक टू दिल्ली. मेरे घर के पास जनकपुरी में आई वेंट टू अ फैशन प्लैनेट, इट्स अ मल्टी स्टोर, मल्टी ब्रांड स्टोर है. ब्यूटिफुल सूट, आई ट्राइड, द फिट वॉज प्रॉपर. आई सेड हाउ मच इज द प्राइस, इट्स 12,500. और इस समय आप क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, रेगुलर कस्टमर्स को सर हमने एक मैसेज भेजा था, यू विल गेट 10% डिस्काउंट. मैंने कहा मुझे मैसेज आया है, लेट मी जस्ट, तो उन्होंने मुझसे वो मैसेज देखा, कोड लिया और मुझे 10% और डिस्काउंट दे दिया. तो मुझे वो सूट रफली 11,000 के आसपास पड़ा. मैंने इमीडिएटली कार्ड निकाला, प्लीज स्वाइप, दिस इज कॉल्ड वैल्यू फॉर मनी. जो आप सामान खरीद रहे हो अगर आपको उसकी वैल्यू जो आप दे रहे हो वर्थ लग रहा है, दैट इज नोन फॉर वैल्यू फॉर मनी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस, इमोशनल क्रिस्टल डिजाइन. अब इमोशनल क्रिस्टल डिजाइन, अगर चेक रिपब्लिक इज बेसिकली नोन फॉर 3 things, कार ऑफकोर्स स्कोडा ब्रांड, सेकेंड इज नोन फॉर द हाइएस्ट कंजम्पशन ऑफ बियर इन अ कंट्री, उसके लिए, थर्ड पार्ट इट इज नोन फॉर द क्रिस्टल्स, बोहेमियन कल्चर बोलते हैं वहां पे, वहां के जो क्रिस्टल्स हैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग मार्केट. और क्रिस्टल्स वगैरह कैसे बनते हैं, किस तरह से उनको पैक किया जाता है, कैसे पॉलिश किया जाता है, फॉर्चुनेटली वी हैड अ स्मॉल ट्रिप टू वन ऑफ द कंपनी. सो ऐसे में ये क्रिस्टलाइन डिजाइन हमारी गाड़ियों में भी दिखता है. अगर आपने उस दिन ऑक्टाविया गाड़ी देखी है, ऑक्टाविया गाड़ी के जब ब्रेक लाइट जलती है तो उसके ब्रेक लाइट की डिजाइन इस तरह से दिया गया है कि उसके अंदर ऐसा लगता है कि क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो उसकी रिफ्लेक्शन आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन पार्ट. आपको लगता नहीं कि आप अपने कस्टमर की केयर करते हो? ऑफकोर्स वी डू केयर आर कस्टमर्स, वी इन्वाइट आर कस्टमर्स टू आर शोरूम्स. Whenever they invite us, we visit their house, office. Last but not the least, we are always there to entertain our customers. Entertain doesn't mean कि customer को dance करके दिखाना है. Entertain means कि we are there to answer their queries. We are there to help them. So guys, जिस दिन आपने, मैं ये कहूँगा कि इस screen का screenshot लीजिए और इन design values को अपनी life के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए. ये डिजाइन वैल्यूज आपकी लाइफ बदल सकते हैं, राइट? सो विद दिस पार्ट वी आर थ्रू विद आवर टुडेज ट्रेनिंग. अब आपको क्या करना है आगे ट्रेनिंग से पहले, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको दो चीजें
तैयार करनी है और आपके पास एक ही दिन का समय है, तो मैं ब्रांड हिस्ट्री का वाला काम आपको नहीं करवा रहा, आपको सेकेंड एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी क्या है? एक एक्सेल फाइल मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। उस एक्सेल फाइल में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के ब्रोशर्स देख के रैपिड एंड सुपर्ब में कंफर्ट के कैटेगरी में कौन से फीचर्स आते हैं, सेफ्टी कैटेगरी में कौन से फीचर्स आते हैं और सिक्योरिटी कैटेगरी में कौन से फीचर आते हैं, वो आपको लिस्ट डाउन कर, फीचर के नाम लिस्ट डाउन करने। वो जो फाइल आपको दी जाएगी उस फाइल के अंदर तीन चीजें, कंफर्ट के नीचे, सेफ्टी के नीचे और सिक्योरिटी फीचर के अंडर कौन कौन से नाम फीचर्स के आते हैं, वो आपको फीचर्स के नाम लिखने हैं, बस दैट्स इट। राइट, ये वाला जो होमवर्क है ये मैं आपको ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा। राइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको मिली, यू कैन रेज